अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम काशिफ जी। सर आवाज़ आ रही है मेरी? काशिफ जी सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। हेलो। अच्छा आपके ग्रुप में कौन कौन है? सर मेरे ग्रुप में उसामा है और कशान है और बिलाल है और मैं हूँ। तो उसमें से तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। आ गए ना? आ गए? यस सर। समसंग के नाम से एक है, एक जैन खान है और उसामा जावेद। सर वो दे दें होस्ट। इसके अलावा और कौन सा ग्रुप है? कोई और देगा? सर इसके अलावा इसके सर इसके अलावा सर उसके इसके अलावा हमजा का ग्रुप है, हमजा उजेर और सुहेब। सर हमारा भी है। ठीक है, ओके ओके। काशिफ मैं आपको वो दे दूं? जी सर। सर उसामा को दे, हाँ सर आप दें उसामा को दें सर होस्ट। उसामा जावेद जी सर इनको दें होस्ट बनाए। अच्छा उसामा, अगर कोई उसामा कोई ऐड होता है ना, अगर आपके पास रिक्वेस्ट आती है तो उसको ऐड कर लेना, क्योंकि मेरे पास अब इख्तियारात नहीं है। हेलो सर आपने अक्षय को बनाया है? हेलो अक्षय को बना दिए? नहीं नहीं जी सर उसामा को बनाना है। ओहो गलत हो गया, कोई बात। अब ये अक्षय मुझे बनाएंगी तो फिर मैं बना सकता हूँ। ये अक्षय सर ये तो ऑफ करके गई। अरे यार ये क्या सर, मीटिंग ऑफ करके फिर दोबारा करें? नहीं, इनको मैसेज करें ना, बंद कर दें उसके दोबारा। ये इनके साथ की कोई सर नहीं कोई कुलीग हो तो वो मैसेज कर दें इनको, सिद्रा कर दें या सायरा कर दें। ओके सर कर रही हूँ। ये तो मेरे ख्याल में होस्ट बन के चली गई, गायब हो गई। जी सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं बन गया होस्ट। सर ये होस्ट आ गई है, आप बना दें होस्ट। असल में उसामा का जी सर उसामा को बना दें। उसामा का नाम एक जगह रुक नहीं रहा सही में। सर वो वॉइस क्या आ रही है उसकी? ऊपर आ जा रही है। उसामा यस सर, ये आप जो है ना, जो बाकी बच्चे हैं उनको होस्ट, आप होस्ट हैं, आप उनको एंटर कर लीजिएगा। ओके सर। किस चीज पे टॉपिक क्या आप लोगों का? सर मेमोरेंडम है। ओह मेमो। यस सर। एक्सेस दो। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? यस सर। सर हो एक मिनट टाइम ले रहा थोड़ा। समय स्क्रीन शेयर का ऑप्शन चाहिए। नीचे आता है बिल्कुल। सर वो पता है सर, वो उधर से समय डिसेबल हुआ है। जी जी काशू हो गया, हो गया। हेलो हाँ गुड हो गया।
स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है। सर स्टार्ट करें? हाँ, इसको बड़ा कर लें। ओके सर, नीचे छोड़ देना। क्लास चल रही है मेरी तो यहाँ पे। स्टार्ट करें सर? बिल्कुल। इसको साथ ले जा सकते हैं? सर जैसे कि हमें आपने टॉपिक दिया था मेमोरेंडम, तो सर इसमें प्रेजेंटेशन बनाया है। मेमोरेंडम का मतलब ये होता है कि जो सिंपल मेमो एक जो मीनिंग है उसका मतलब होता है मेमोरी, और जो आपके पास पूरा मेमोरेंडम है इसका मतलब होता है टू बी रिमाइंडर। तो ये हम इसलिए बनाते हैं जैसे कि हमें किसी कंपनी के अंदर कोई मैसेज जनरेट करना है या वो मैसेज फॉरवर्ड करना है तो हम मेमोरेंडम लिखते हैं, अपने एम्प्लॉय को लिख सकते हैं, सही है। उसके बाद सर जो ईमेल राइटिंग होती है, और ईमेल राइटिंग जो होती है उससे अलग होता है मेमोरेंडम, सही है। और इसको यूज करते हैं कम्युनिकेशन। हेलो राम और काशिफ जी, सर बोले आपको, मुझे बताएं ग्रुप नंबर क्या आपका? सर ग्रुप नंबर देखना पड़ेगा। अच्छा, ग्रुप मेंबर्स बताएं। सर उसामा, जावेद, कशान अहमद, ये पूरा नाम, काशिफ हुसैन, उसामा, जावेद, काशिफ हुसैन, कशान अहमद और बिलाल। काशिफ हुसैन। तीसरा कौन है सर? तीसरा कशान है सर, कशान अहमद। ये सारे प्रेजेंट हैं इस वक्त? नहीं है। यस सर अप्रोक्सीमेटली है, देख क्योंकि मेरे पास स्क्रीन आ रही है। जोसेफ जो प्रेजेंट नहीं होगा उसके मैं नंबर नहीं लगाऊंगा। अच्छा, काशान और चौथे कौन है? बिलाल। सर काशान है और चौथे बिलाल इलियास है, मोहम्मद बिलाल। सर बिलाल, सर ओनली बिलाल इलियास। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने शुरू में जैसे मेमोरेंडम लिखा है तो आपने फर्स्ट स्लाइड पे आइएगा, फर्स्ट स्लाइड। हाँ ये सही लिखा है, बिल्कुल गुड, शुक्रिया सर। ठीक है, आगे चलें। आपने मुझे सेकंड स्लाइड सेकंड पे सर, सेकंड में हमने जैसे कि लिखा इंस्ट्रक्टर, आपका नाम लिखा इंस्ट्रक्टर है, उसके बाद ठीक है। ग्रुप आगे चले, ग्रुप नंबर भी ऐड कर लिया करें ताकि मुझे याद रहे कि आप कौन से ग्रुप के हैं। जी सर उस पैटर्न में मतलब हमने बेसिकली इतना काम नहीं किया ना, वरना हम ग्रुप नंबर भी लिखते बकायदा। चले आगे चले। इसलिए तो सर उसके बाद बताया है जैसे कि मेमोरेंडम क्या होता है, जो आपको मैंने पहले पेज पे बता दिया, सही है। ठीक है, दोबारा बताऊं? नहीं ठीक है, जा रहे थे। उसके बाद सर किस लिए यूज करते हैं, पर्पस क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन किसी कंपनी के अंदर होता है, ये इसका पर्पस है। और उसके बाद कितने टाइप्स के होते हैं, ये टाइप है, उसके बाद हर टाइप को डिफरेंट क्या सिनेरियो होता है, किस सिनेरियो पे काम होता है, फॉर्मेट है कि ये जो आपने कहा कि मेमोरेंडम जो है इंटरनली यूज होता है, तो क्या सिर्फ इंटरनली यूज होता है या मेमोरेंडम जो है वो हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी यूज कर सकते हैं? सर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हम यूज नहीं कर सकते हैं, जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बेसिकली यूज होता है मेमोरेंडम। ठीक है, गुड, सही है। आगे जी सर, उसके बाद सर ये जैसे कि हमने कैटेगरी बताई है, सर हमारे पास कैटेगरी होती है, सबसे पहला होता है रिक्वेस्ट मेमो, कॉन्फर्मेशन मेमो होता है, उसके बाद पीरियोडिक रिपोर्ट मेमो होता है, और चौथा जो है आइडिया एंड सजेशन मेमो, और पांचवा इनफॉर्मल स्टडी ऑफ रिजल्ट मेमो। सर ये हर बिल्कुल माइनस है, इन सब में ना डिफरेंस होता है कि होता है, और ये जो आपके पास है और ये फॉर्मेट है, और तकरीबन सबका फॉर्मेट सेम होता है। सबसे पहले डेट आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, टू जिसको लिख रहे हैं फ्रॉम, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद बेसिकली जो आपके पास मेन है ना, पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद मेन पॉइंट लिखना है, उसके बाद आउटकम और कंक्लूजन, दैट्स इनफ। सर मेमो का काम यही होता है। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है ठीक है, आवाज आ रही है। ये मेमो किस चीज का है? जी सर, ये मेमो किस चीज का जी है सर? ये जो आपने रिक्वेस्ट मेमो बनाया है किस चीज का है? सर ये बेसिकली एक कंपनी के जस्ट एक सिनेरियो है कंपनी का सिंपल, के अगर कोई भी एम्प्लॉय होगा वो किस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, जस्ट ये सिनेरियो पे सर बेसिकली किसी एक पॉइंट पे रख के काम नहीं किया है। बेसिकली जो सिनेरियो होता है कि अगर हम रिक्वेस्ट मेमो की बात कर रहे हैं तो उसमें क्राइटेरिया ये होगा, कोई एम्प्लॉय कोई भी रिक्वेस्ट करेगा अपने हायर अथॉरिटी से, तो ये इस पे काम कर रहा है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलो।
उसके बाद सर आपके पास एक कंफर्मेशन मेमो, उसके बाद सर पीरियडिक रिपोर्ट मेमो है कि आपने मतलब जो काम किया है तो उसको कितने पीरियड में आपने इसको डिवाइड किया है। जैसे कि हमें कोई टास्क दिया गया हो उसको हमने 6 महीने में डिवाइड किया तो वो किस तरीके से हम उसको पूरा कर रहे हैं, तो वो पीरियडिक मेमो के अंदर आता है। और उसके बाद आइडिया एंड सजेशन है कि हम अगर कोई भी फॉर्म बनाएंगे, मतलब कोई भी मेमो बनाएंगे हम, तो उसमें एक लास्ट में हम उसमें ऑप्शन दे देते हैं कि हमें कोई भी एम्प्लॉय सजेस्ट कर सकता है, जैसे कि फीडबैक का ऑप्शन होता है ना, तो हम उसमें दे सकते हैं कि जो लो अथॉरिटीज है वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि हम इसमें ये चेंजिंग कर सकते हैं। मेमो होगा ये भी? जी सर, मेमो है। ठीक है, जी सर, खत्म। हाँ काशिम, नेक्स्ट, काशिम नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलो। हेलो, खत्म हो गए इतनी जल्दी? सर खत्म नहीं हुई, मैंने जल्दी जल्दी मतलब निकाल दी ना, एक एक पेज पे दोबारा जाते हैं आप। पूछे सर, इनफॉर्मल हो गया काशिम? काशिम इनफॉर्मल शायद नहीं हुआ था। नहीं नहीं वो, हाँ मैं लेकर आ रहा हूँ वापस, इनफॉर्मल रह गया। यहाँ से दोबारा शुरू कर देते हैं सर, रिक्वेस्ट मेमो हो गया, उसके बाद कॉन्फर्मेशन मेमो है। ठीक है, जी मुझे एक बात बताएं कि ये प्रेजेंटेशन किस किस ने बनाई है, किस किस का कंट्रीब्यूशन है? सर ये मल्टीपल काम किए हमने सर, जैसे कि हमने डिवाइड किया था प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट में ना, तो सर दो बंदे ने मतलब प्रेजेंटेशन पे काम किया, दो रिपोर्ट में काम किया, उसके बाद हमने सबको समराइज करके ना मतलब बांट लिया था काम की, इस तरीके से हमें जैसे ये स्लाइड चूज करनी है, तो सर इस तरीके से काम किया। मेमो और लेटर में क्या फर्क है काशान? सर मेमो में काशान, सर मेमो जो होता है वो शॉर्ट होता है, और लेटर जो होता है हम पूरा लंबे उसमें डिफाइन कर रहे होते हैं उसको। नहीं शॉर्ट नहीं होता, बल्कि मेमो तो ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होता सर, है सर, उसमें हम डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं मेमो के अंदर। किसकी डॉट ई सर? किसी कंपनी को हम जैसे अपनी कंपनी के अंदर किसी को कोई बताना होता है तो हम लोग मेमो यूज करते हैं। और लेटर, लेटर कोई भी मैसेज देना हो उसमें हम लेटर यूज करेंगे। तैयारी नहीं कि काशान इतनी अच्छी? नहीं सर, मेमो यूज करेंगे। जी सर, सर तैयारी की है सर, तैयारी की है, तो मुझे फर्क बताओ फिर। सर लेटर और मेमो, मेमो के दरमियान बाकी ये बिलाल इलियास जो है, बिलाल इलियास आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस प्रेजेंटेशन में? बिलाल, what you have done with this presentation? आपने इस presentation में क्या किया? सर presentation बनाने में material निकालने में, material निकाला है? चलें मुझे बताएं memo क्या, सिर्फ मुझे बताएं memo क्या होता है? दरवाजा memo कोई भी चीज remember रखाने के लिए कोई भी organization के अंदर, within the organization instructions दे देना। जी सर, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा ठीक है, तो फिर लेटर और मेमो में क्या फर्क हुआ? लेटर और मेमो, लेटर तो फॉर चीज रिमेंबर कराने के लिए होता है, लेकिन वो मेमोरेंडम लेटर नहीं, मेमो इनफॉर्मल। क्या कह रहे हैं सर? लेटर तो हम इनफॉर्मल, मेमो तो हम इनफॉर्मल यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लेटर को हम फॉर्मल में यूज कर रहे होते हैं। नहीं ये भी, ये फॉर्मल होता है, प्योरली फॉर्मल होता है मेमो। मेमो तो हम किसी मेमोरेंडम अपने चीज, देखिए बाजू का इनफॉर्मल हो सकता है, आपने कभी देखा होगा स्क्रीन कंप्यूटर की जो आप साइड में ना एक छोटा सा मेमो भी खुल जाता है येलो कलर का, जिसपे आप रोजाना के काम लिख लेते हैं, ये भी एक टाइप है मेमो की।
सर लेटर जो है सर वो लॉन्ग या शॉर्ट मैसेज बताने के लिए कर सकते हैं, मेमोरी टाइम जो है वो वन पर्सन टू दूसरे पर्सन जी सर ठीक है। जो मेमो होता है ना वो इंसान अपनी याद दिहानी के लिए भी रखता है, बाज़ औक़ात मेमो बना के रख लेता है, या डॉक्यूमेंट्स किसी का अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो किसी को भाई आपने एडमिशन दिया है और उसके एडमिशन के अंदर उसके क्या क्राइटेरिया फॉलो हुआ है उसको हम मेमो बना के रख सकते हैं। इसी तरह आपने वाइस चांसलर को भेजना है किसी भी बात के हवाले से कि भाई ये हम मेमोरेंडम भेज रहे इसको याद दिहानी के लिए सब में सर्कुलेट कर दिया जाए, तो ये मेमोज कहलाते हैं। अच्छा फिर मेमो की टाइप कितनी बताई आप लोगों ने? चार टाइप बताई है, पांच बताई है। पांचवी टाइप क्या थी वो भी एक्सप्लेन नहीं की आप लोगों ने, तो कौन सी वाली? ये सर ये सर आप बोले हां ये सर मैंने उनको बोला शायद इन्होंने फॉर्मल काशिफ तुमने शायद फॉर्मल को डिफाइन नहीं किया इनफॉर्मल वाली इनफॉर्मल ये क्या है इनफॉर्मल स्टडी मेमो ये इनफॉर्मल स्टडी रिजल्ट मेमो ये क्या चीज होती है? पीछे पीछे यही वाली इनफॉर्मल स्टडी रिजल्ट मेमो सर जैसे कि हमें कोई हाई अथॉरिटीज ने कोई काम कोई टास्क दे दिया तो हमें क्या करना है उस टास्क को इनफॉर्मल वे पे पढ़ते हुए उसी टास्क पे इंप्लीमेंट करना है, तो ये सर इनफॉर्मल स्टडी रिजल्ट मेमो। उसामा आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया? यस सर। क्या होता है इनफॉर्मल स्टडी सर? इनफॉर्मल कोई भी शॉर्ट के एक प्रोफेशनल और एक जगह स्टेट कर लिखने के लिए हम फॉर्मल यूज करते हैं, मतलब कि एक पॉइंट ऑन टू द पॉइंट रख के बात करी जाए। अच्छा ठीक है, और उसको थोड़ा शॉर्ट रखा जाए इसके लिए हम टू द पॉइंट और उसके लिए हम फॉर्मल मेमो यूज करते हैं। ठीक है, ये कहां से ये डाटा कहां से लिया था आपने? इंटरनेट की कौन सी इंटरनेट से लिया होगा इसे? ये हमने सर बेसिकली एक साइट से नहीं लिया, हमने बहुत मतलब सर रिसर्च करने के बाद ये डेटा लिया है सर। अब जी इस टॉपिक के रिलेटिव जब हम डेटा देख रहे थे वीडियो तो सर उसमें बेसिकली ये पांच भी नहीं बता रहे थे, वहां पे सिर्फ दो कैटेगरी बताया था हमें मेमोरेंडम के, एक बताया था इंफॉर्मेशनल और एक बताया था इंस्ट्रक्शनल, सर सिर्फ दो बताए थे उन्होंने, मगर फिर उसके बाद हमने जब प्रॉपर रिसर्च किया तो फिर ये जाके पांच मिले हमें। ठीक है, एक चीज बस आप मुझे अपने जब ये स्लाइड शेयर करें मुझे भेजिएगा तो एक चीज मुझे और चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है मेमो और लेटर के अंदर, वो आपने मुझे नहीं बताया। देखिए लेटर नॉर्मली जो है सर अभी बता दें। हाँ क्या कह रहे हैं? अभी बता दें या प्रेजेंटेशन में चाहिए होगा सर अभी बता दें आपको? मटेरियल डाल के भेज दीजिएगा। देखिए लेटर जो होते हैं नॉर्मली वो आप दोस्तों को लिख सकते हैं और वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी जा सकता है। लेटर आप जो है वो आउटसाइड नहीं जा सकते। हाँ तो ये जो है आपका इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है मेमो, तो मेन डिफरेंस इसका ये भी है। यस सर ठीक है, बताया तो चले ठीक है, लिखा हुआ है स्लाइड नंबर 3 में तो तुम लोगों ने स्लाइड इतनी जल्दी गुजारी ना मुझे समझ ही नहीं आया सर आपको, मतलब पहली स्लाइड में मैंने पूरा डिफाइन कर दिया मेमोरेंडम क्या होता है। अच्छा चले ठीक है, अच्छा आप ठीक है ये आप छोड़ दें फिर और मुझे ये भेज दीजिएगा। इसमें एक चीज ऐड कर दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड मेमो। ठीक है ओके सर ऐड कर देंगे। और दूसरा ग्रुप कौन सा है जो देना चाह रहे हैं? सर हम तैयार हैं, हम देने के लिए। ये हम की मुझे नाम हम देंगे सर, हम का मुझे दिलशेर का नाम है सर, दिलशेर मैं दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है, दिलशेर आपके ग्रुप में कौन कौन है और ग्रुप नंबर बताइए मुझे। सर ग्रुप नंबर 11 है और ग्रुप मेंबर जो है हाफिज़ अब्दुल मुईज है और राफे नुमान और मैं। एक ग्रुप नंबर मैं लिख लूँ ना, ग्रुप नंबर 12 है और सर 11 है, 11 है सर, ग्रुप नंबर 11 है और इसके अंदर जो है मेंबर्स कौन कौन है? दिलशेर सर जी, सर दिलशेर, हाफिज अब्दुल मुईज और राफे नुमान। हाफिज अब्दुल मुईज और तीसरे कौन है सर? राफे नुमान। राफे नुमान यस सर। अच्छा जी, अब जो है ना मुझे उसामा आप वापस मुझे होस्ट बना दें, उसामा साहब जो है मोहम्मद उसामा को होस्ट बना दें। यस सर बना रहा हूँ।
डन सर। सर हम लीव करें फिर? हाँ गए। हाँ अगर बैठना चाहो तो देख लो, क्योंकि यही सारी जो स्लाइड्स है, यही सारे टॉपिक जो है, मैं आपको फाइनल में दूंगा। ये फाइनल में जो आपका फाइनल पेपर बनेगा वो इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स के अंदर अंदर बनेगा, ये सब सुन लें। यस सर ऑफ कोर्स। सर जितने भी टॉपिक होंगे सर वो आप, लेकिन जो मैंने टॉपिक्स आपको दिए हैं उससे आप जी असाइनमेंट बनाई है उसी से रिलेटेड जो है वो, जैसे कि आपको लिंक भेजा था तो वो टॉपिक। मुझे आवाज कट रही है आपकी। उसमें तो 13 टॉपिक है सर, उसमें तो 13 टॉपिक है। देखें जो जो मैंने टॉपिक्स आपको जितने भी जिसको सकता है डबल दिए हूं। हेलो जी सर, मैं कह रहा हूं कि बार दफा ऐसा हुआ है कि एक टॉपिक मैंने दो दो ग्रुप्स को भी दिया है, तो जितने भी टॉपिक्स हैं चाहे 13 है 14 है, इसके अलावा मैंने आपको वीडियोस भी शेयर किए, अपनी लेक्चर्स भी शेयर किए, तो सारे मिला के वो टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं और वो आपके फाइनल में आएंगे। ओके सर। ठीक है, जैसे मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम का टॉपिक आएगा, इसी तरह कल किसी ने परचेज ऑर्डर पे दिया था, परचेज ऑर्डर आएगा, फिर इसी तरह जो है उससे पहले एक ने दिया था, हाँ रेफरेंसिंग वाला था, रेफरेंसिंग एंड साइटेशन वाला, उसका टॉपिक आएगा। ठीक है, लेटर एंड एप्लीकेशंस पे आएगा। अब ये दिल शेयर वगैरह का टॉपिक क्या है सर? रिपोर्ट राइटिंग सजेशन हमारा टॉपिक यही है। मैं होस्ट बना दूं आपको दिल शेयर? जी सर। तो ये स्क्रीन तो हटाएं, स्क्रीन कैसे हटेगी? ये तो काशिप की है ना दिल शेयर, मैंने आपको होस्ट बना, जो होस्ट बनेगा वो हटा सकते हैं। आप स्क्रीन शेयर करेंगे? मैंने स्टॉप कर लिया बस सर, मैं अभी शेयर कर दूं स्क्रीन अपनी। सर स्क्रीन शेयर कर दूं? स्क्रीन शेयर करो भाई। हेलो सर, ये बेटा स्क्रीन शेयर करो। सर स्क्रीन शेयर कर। जी जी स्टार्ट कर यार। स्टार्ट करो यार, काशिप मजाक छोड़ो यार काशिप। स्टार्ट करें। सर स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। इतनी देर लगा रहे हो तुम लोग स्टार्ट करने में, क्या मसला है? जल्दी दिलशेर वेट कर रहे हैं। किसका? राफे साहब नहीं आए? राफे हैं तो सही। सर ये स्लाइड शेयर कर रहे हैं। थोड़ा ग्रुप दे दे, टाइम लगेगा। मोबाइल तो तुम लोग यूज करते हो, क्या मेहनत करते होगे? लैपटॉप ही यूज कर लिया। मैथ का प्रोजेक्ट खुल गया, इसको बड़ा करो स्क्रीन को। सर गांव में इधर लाइट का इशू होता है, लैपटॉप बंद है, मैं क्लासेस भी मोबाइल पे लेता हूं सर, गुजारा तो करना है ना। गुजारा कर रहे हो तुम है ना सर, और क्या करें। सर स्क्रीन शेयर हो गई? हाँ बेटा हो गई, बड़ा तो करो। ये बाकी तो गांव में नहीं है, ये दो तो गांव, ये तो यहीं पे हैं, कराची के हैं। अब सर
ये जो दो है तुम्हारे साथ सर मेरा लैपटॉप खराब हो गया वरना मैं स्क्रीन शेयर कर देता। अब ये देखो एक का लेवल तीसरे स्क्रीन शेयर है नहीं राफे साहब वो मोबाइल में स्क्रीन शेयर नहीं होता मेरे हैं मोबाइल में स्क्रीन शेयर नहीं होता आपका लैपटॉप नहीं है कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट हैं आपके पास लैपटॉप ही नहीं है सर लैपटॉप है लेकिन लाइट नहीं है ना सर मेरे पास सर लाइट चलती अरे मैं तुम्हें नहीं कह रहा दिलशेर मैं तुम्हें नहीं कह रहा मैं उसको राफे को कह रहा हूं तो लैपटॉप पे जूम नहीं है अच्छा बहुत अच्छे लैपटॉप में जूम नहीं चलो स्टार्ट करो तो सही है सर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है रिपोर्ट राइटिंग सजेशन है ये हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है और हम तीन ग्रुप मेंबर हैं हाफिज अब्दुल मुईज दिलशेर और राफे नुमा तो सबसे पहले रिपोर्ट A report is a document that present information is an organized format for a specific audience and purpose. Report क्या है? Report जो है एक specific document है जो किसी हम मतलब specific information का document है जो हम किसी मतलब अपने specific purpose के लिए use करते हैं उसको हम report कहते हैं. Report a report writing is a writing about something in detail. रिपोर्ट एक जो है एक मतलब किसी भी हम चीज के बारे में उसके डिटेल लिखेंगे तो उसको हम रिपोर्ट कहते हैं द रिपोर्ट बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर इन्वेस्टिगेशन एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्टेन इश्यूज रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस द रिपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द जॉब रिपोर्ट जो बेसिकली मतलब हमारे इन्वेस्टिगेशन को रिप्रेजेंट करती है उसमें सर्टेन इश्यूज होते इश्यूज हो गए या रिकमेंडेशन या मतलब कोई भी सजेशन है जो हम इसमें रिपोर्ट में मतलब डिफाइन करते हैं सजेशन क्या है सजेशन मीन एन आइडिया आर प्लान पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन सजेशन जो है एक आइडिया है एक प्लान है जिसके तहत मतलब हम अपना आगे जो काम है वो करते हैं और राइट योर सजेशन रिपोर्ट राइट करने के लिए हमें किस सजेशन की जरूरत होती है सबसे पहले राइट योर एग्जीक्यूट समरी एंड टेबल तो जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके लिए एग्जीक्यूट समरी तो सुना है हमने एग्जीक्यूटिव मतलब जो मतलब प्रॉपर जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है जो हम बनाएंगे तो उसके मतलब उसकी पूरी हमने टेबल बनानी है या उस पर हमने उसको देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज करनी है फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना होता है प्लान बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग स्टार्ट करने से हमें प्लान करना चाहिए यूज अ क्लियर लेआउट क्लियर मतलब होना चाहिए सही होना चाहिए और एन इफेक्टिव रिपोर्ट स्टेप्स इफेक्टिव रिपोर्ट के स्टेप्स क्या है मतलब तो उसका है डिसाइड ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना पड़ेगा अंडरस्टैंड योर ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम किस टॉपिक पे हमने अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं किस चीज़ के लिए बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं रिपोर्ट फॉर्मेट एंड टाइप रिपोर्ट का फॉर्मेट सही होना चाहिए और उसके राइटिंग टाइप वगैरह उस मैटर करती है राइटिंग वगैरह तो वो भी ठीक होने चाहिए गैदर द फैक्ट्स एंड डेटा हमें जो चीज़ें जो डेटा हमें यूज़ करनी है वो हमें सही तरीके से गैदर करनी है करके ही हमें यूज़ करनी है रिपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर द रिपोर्ट का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा उतना अच्छा होगा टाइप्स ऑफ रिपोर्ट ये मुख्तलिफ टाइप हैं रिपोर्ट्स के जैसे नंबर वन पे रिसर्च रिपोर्ट और
और नंबर टू पे है बिजनेस रिपोर्ट, नंबर थ्री पे साइंटिफिक रिपोर्ट और रूटीन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारे डिफरेंट टाइप्स हैं रिपोर्ट के जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। सर आगे मैं अपने ग्रुप पार्टनर को कहूंगा कि वो आगे स्टार्ट करें। हाफिज अब्दुल मुईज को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, सबसे पहले हमारे पास आता है टाइटल पेज। जी सर, सॉरी सर, मैंने कहा क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारी इस प्रेजेंटेशन में? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा इस प्रेजेंटेशन सर, ये स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की हैं, ये स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की हैं और जो वर्ड डॉक्यूमेंट आपको हाफ यानी मिड टर्म में सबमिट कराया था वो मैंने प्रिपेयर किया था। तो इन दोनों ने कोई काम नहीं किया था? बाकी रिपोर्ट सर, रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर किए ना हमने। बाकी जो अभी स्लाइड में जो अपडेट थोड़ी स्लाइड को मैंने अपडेट किया है सर। अच्छा चलें जल्दी दें इसको। अच्छा अब हमारे पास है सर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट में हमारे पास सबसे पहले टाइटल पेज है, उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट्स, एब्रीवेशन और ग्लॉसरी आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट्स आ जाता है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है और बिब्लियोग्राफी है। अच्छा टाइटल पेज का हमारे पास जो काम होता है उस पर ये होता है कि टाइटल पेज हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो रिपोर्ट का टॉपिक है इसको छोड़ दें, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये वाली स्लाइड छोड़ दें, नेक्स्ट स्लाइड पे आए। फीचर्स ऑफ गुड रिपोर्ट राइटिंग पे, फीचर्स ऑफ गुड रिपोर्ट राइटिंग पे आ जाते हैं। इट हैज क्लियर थॉट्स। सर इसका मतलब ये है कि जैसे हम रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके अंदर जो हम बात अपनी कन्वे करना चाह रहे हैं रीडर के पास, तो उस पर हमारा जो मैसेज होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि वो इजिली अंडरस्टैंड कर सके। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं, इट इज कम्प्लीट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसका मतलब है कि आपकी जो बात है वो पूरी डिटेल में होनी चाहिए, लेंथी नहीं होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए ताकि वो डिटेल रीडर जो है आपका आसानी से समझ सके आपके मैसेज को। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव बट कॉम्पैक्ट। आपकी बात जो है पूरी तो होनी चाहिए सर, लेकिन आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आपकी बात ज्यादा लंबी नहीं हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रीडर जब रीड कर रहा हो तो उसको हो कि यार ये बहुत लेंदी है, इसने क्या फजूल लिख दिया है इस तरह से। इट इज एक्यूरेट इन ऑल एस्पेक्ट्स। छोड़ दें इस स्लाइड को, छोड़ दें आगे चलें। ये क्या है कॉमन मिस्टेक्स पे सर? हाँ सर, ये इसमें ये बताया हुआ है कि बास औकात जब लोग रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो वो ये चार मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी जो रिपोर्ट होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। एक है हमारे पास नंबर वन पे बोरिंग, सेकंड पे आता है एरर्स और थर्ड पे आता है लैंग्वेज और फोर्थ पे आता है लेंदी। अब बोरिंग से क्या मुराद है सर? बोरिंग पे ये है कि कभी कभार ऐसा होता है जो हम टॉपिक यानी मैसेज देना चाह रहे होते हैं रीडर को, अब हम फजूल वाली थोड़ी चीज़ एक्स्ट्रा लिख देते हैं मैसेज वगैरह, तो रिपोर्ट हमारी बहुत लंबी हो जाती है, जिससे होता है ये कि रीडर जब रीड कर रहा होता है रिपोर्ट को तो वो जो मेन पॉइंट होता है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले उसको रिपोर्ट से होता है कि यार बोरिंग से मुराद तो लिखी हुई है। बोरिंग से मुराद तो ये है कि हमारी मैंने फर्ज किया प्रेजेंटेशन बनाई और वो ऐसी है जो सामने वाले को बिल्कुल बोर कर रही है। डू यू थिंक दैट आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है इट्स बोरिंग और नॉट, या मैं जो प्रेजेंटेशन बना रहा हूं वो बोरिंग है या नहीं है? तो इसका मतलब ये होता है कि आप रिपोर्ट राइटिंग में बाज़ औक़ात बोरिंग का मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर ऐसे कंटेंट नहीं डालते जो कि सामने वाले रीडर को क्या कर सके, उसके अंदर इन्वॉल्व कर सके। अच्छा आगे सही। उसके बाद सर हमारे पास आते हैं एरर्स। एरर्स में है अगर हमारी रिपोर्ट में ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होंगी या स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो इससे भी रीडर को प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड पे हमारे पास आता है लैंग्वेज। ये ना हो सर कि हम रिपोर्ट फॉर्मल लिख रहे हैं और हमने उसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर ली हो, या फिर रीडर की लैंग्वेज इंग्लिश है हमने उर्दू में रिपोर्ट दे दी हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लेंदी। लेंदी में ये हो गया सर हम जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, अब हम वहाँ पे एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो अब हम जिस यानी जो हम मैसेज उसको देना चाह रहे हैं तो बस हम पॉइंट टू पॉइंट वही उनको बताएं, यही ना हो कि हम एक्स्ट्रा और चीज़ें भी हम बता दें उनको ताकि हमारा मैसेज उन तक पहुंच सके। अब मैं सर राफ़ी नुमान को बोलूंगा कि वो प्रेजेंटेशन आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर रिपोर्ट राइटिंग में जो है अब हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, आनंद भाई इम्पोर्टेंस में ये है कि सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो कि रिपोर्ट राइटिंग में
रिपोर्ट आ रही है सबसे पहले जो प्रोफेशनल्स को लिखने को दी जाती है होते हैं कि इसके अलावा इनके अलावा कोई लिख नहीं सकता क्योंकि ना प्रोफेशनल्स को ही अलाव होता है सिर्फ दूसरी चीज़ें की रिपोर्ट आ रही में रेटिंग देखा जाता है ये देखा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी ऑर्गेनाइजेशन के कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं सक्सेस क्या है उनकी फिर तीसरे पॉइंट पर लिखा है कि रिपोर्ट तीसरे पॉइंट पर लिखा है कि रिपोर्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कराते हैं सब सबकी ऑर्गेनाइजेशन पे फिर चौथे पॉइंट में जो है शो किया है कि रिपोर्ट्स आर वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन कि इसमें इंफॉर्मेशन रखी जाती है जो कि आगे जाके काम आ सकती है दूसरे लोगों के रिपोर्ट से ये भी रिवे करते हैं कि थिंकिंग गैप की यानी कि लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं सब उन सबके बीच में क्या फ़र्क है उनकी उनकी थिंकिंग में और लास्ट पॉइंट पे ये शो किया है कि राइटर्स को चाहिए वो स्किल इंप्रूव करता है तब की कि जो बंदा इन्वॉल्व है उनके क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है उनको अगली स्लाइड पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ये फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग और इनफॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग में क्या फ़र्क है फॉर्मल ये है कि वो लंबी होती है ज़्यादा और इनफॉर्मल में ये है कि वो सिर्फ एक से तीन पेजेस में हो सकती है उसके अलावा पहली स्लाइड पे इसको छोड़ें राफे शुरू की स्लाइड्स पे जाएं जहाँ पे आपने टाइप ऑफ रिपोर्ट बताई है जिसके अंदर रिसर्च रिपोर्ट है वो सारी वो सारा खोलें जरा जी सर ये वाली इसको इन सब के अंदर डिफरेंस क्या है सिर्फ ये बता दें मुझे जी सर रिसर्च रिपोर्ट में यह कहना है कि जब रिसर्च की फील्ड होती है कोई जैसे कुछ रिसर्च किया जा रहा होता है तो उसमें इस्तेमाल होती है बिजनेस रिपोर्ट जो है बिजनेस को देखने के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है साइंटिफिक जो है वो साइंस की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं और वीकली रिपोर्ट जिस तरह के बिजनेस का रिटीन होता है कि कौन कितने बजे आ रहा है क्या काम कितने बजे होना है उसमें वो देखा जाता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो तब लिखी जाती है जब कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है जैसे कि क्राइम की इन्वेस्टिगेशन या कंपनी की इन्वेस्टिगेशन तो उसमें लिखा जाता है FIR क्या होती है जी सर FIR तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या चीज फेडरल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सही कह रहे हैं फाइनल बहुत अच्छे फर्स्ट FIR जो कटवाते हैं दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रिपोर्ट जो आपने यहां लिखा है तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो वो भी एक टाइप है रिपोर्ट की ठीक है आगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसका क्या मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो उसके बारे में रिपोर्ट जैसे कि जब भी हम यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसकी रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है ना पहले ठीक है वो उसमें इस्तेमाल होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो FIP बना रहे हैं वो इन सब पांच छह कैटेगरीज में से किस में आएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आएगा गुड और जो मास्टर्स या PhD के थीसिस लिखे जाते हैं वो किस में काउंट होंगे किस में आएंगे वो सर साइंटिफिक रिपोर्ट में होगा रिसर्च में नहीं आएगा सर रिसर्च रिपोर्ट और साइंटिफिक रिपोर्ट में क्या फर्क है सर रिसर्च रिपोर्ट जो है कि कोई रिसर्च होती है कोई नोन फील्ड होती है उसमें रिसर्च करें तो उसमें इस्तेमाल होता है साइंटिफिक जो है जब कोई नई चीज डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कोई चीज बना रहे होते हैं तो उसमें इस्तेमाल होती है ठीक है मतलब उसका ताल्लुक साइंस से यस सर ठीक है अब लास्ट स्लाइड पे चलें इसकी सर ये आखिरी है कंक्लूजन सर सर ये रिपोर्ट राइटिंग जो है वो फ्यूचर के लिए फ्यूचर इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है कि अभी हमने क्या चीज़ सीखी तो वो आगे आने वालों के लिए क्या काम आ सकता है इसमें जो है वो सारा डेटा इन्फॉर्मेशन और डेटा मैनेजमेंट सब कुछ स्टोर किया हुआ होता है सारा और कंक्लूजन ये भी है कि एक रिपोर्ट राइटिंग सजेशन बहुत जरूरी है क्योंकि इसके सजेशन के तहत अगर हम काम करेंगे उसको तो ये मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से काम होगा और हम इसको अच्छे तरीके से डिफाइन भी करेंगे जो जो चीजें हमें रिपोर्ट में देनी है तो बस उसके लिए भी अच्छा प्लान होना चाहिए अच्छा मुझे बताएं अभी किसी और ने प्रेजेंटेशन देनी है क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है यस सर देनी है हमने कौन क्या हम कौन है सर उजैर मोहम्मद उजैर जी सर हम ग्रुप अच्छा मोहम्मद उजैर हमदान अंसारी और वो सोहेब अहमद खान अच्छा तो नमाज की बात कर ले इसको सर मैं 5 बजे से वेट कर रहा हूं
जी सर काफी टाइम से वेट कर रहे हैं सर हम जब से ज्वाइन करके बैठे हैं लिंक भेज दो नहीं जाना था